भाइयों बिल्कुल हमारे सामने दो लुमड़ी बहनें बैठी हुई हैं। हाँ जी भाइयों कैसे हो, भाइयों कैसे हो आप? तो आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है चपाती गेमर चैनल। चपाती क्या नाम है इनका चैनल का यार, चपाती हिंदुस्तानी गेमर, और मेरा नाम है पैगो जादूगर। तो आपको तो पता होगा कि भाई पमी भाई 6 दिन के लिए बाहर गई और कमेंट्री के इंचार्ज 6 दिन के लिए मुझे बनाया है। तो उन्होंने खुद मुझसे बात की थी कि यार चैनल संभाल लियो 6 दिन के लिए। तो 6 दिन का जो दिमाग चाटने का वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दूंगा। आगे पीछे तो पमी भाई आपका दिमाग चाटते रहते हैं और आपके दिमाग में बचा भी कुछ नहीं होगा अभी तक, तो सर खाली हो गया होगा। तो बाकी जो 5 दिन का दिमाग चाटने का जो इंचार्ज हूँ वो मैं हूँ, और मुझे पता नहीं क्या बोलना है इसके आगे यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो ये लीजिए सामने हमारी लॉस सैंटोस की सिटी है, और ये बीच वाली बिल्डिंग तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है, पता नहीं ये इलीगल माले बनाए हैं इन्होंने, और पूरे यहाँ पे घास वास होगी और दूर कहीं प्लेन जा रहा है और हमारे सामने बिल्कुल 1 2 3 4 5 8 पेड़ हैं हमारे सामने, और हवा आती है तो कभी यूं मुड़ती है तो कभी यूं मुड़ती है, बिल्कुल टोटल 8 पेड़ हैं हमारे सामने। बस बाकी मुझे पता नहीं और क्या बोलना यार, चपड़ चपड़ कैसे करते रहते हैं पम्मी भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जंगलों के अंदर बैठी है। अरे चिट्टे वाले शेर कहाँ जा रहा है? अरे रुक, अरे मेरे दोस्त कहाँ जा रहा है? हम मेरे पास आ जा, हम मैं तुझे चिकन खिलाऊंगा, आ जा। खुद के बिरयानी खाने के वादे हो चुके लेकिन मैं तो चिकन खिलाऊंगा। रुक तेरे लात मार के मारता हूँ। मर गया ना, मर गया ना, और कर ले मस्तियाँ फिर है। अरे उठ गया, अरे रुक कहाँ जा रहा है? ये बहुत शैतान हो गया आजकल, मरने का नाटक भी सीख गया है। अरे चार टांगों वाला यार, ये कितना तेज भागता है यार, इसको यार क्रिकेट की टीम में लो। अरे इसको क्रिकेट की टीम में लो, ये इसकी चार टांगे हैं, फट से जाके गेंद पकड़ लेगा। अरे रुक जा मेरे बाप, मैं थक गया यार। एक तो कमेंट्री नहीं हो रही, एक तो तू पहाड़ों के ऊपर मुझे भगा रहा है यार, थक जा। ओ देख कहाँ चला गया। अबे अबे रुक जा, धूप लग जाएगी तुझे, इतनी गर्मी है। थक गया यार, अरे बाप रे, मैं तो एकदम थक गया। देख तो खाने पीने के लिए कुछ है इन्वेंटरी में? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है यार, खाली पड़ी है यार, कड़की छाई हुई है, कुछ है ही नहीं यार। तो लीजिए भाइयों कमेंट्री का इंचार्ज ये 5 वीडियो के लिए मैं हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या करना। ये सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मॉड बनी लगाता हूँ, और वो जो ग्रीस के बारे में मैंने आपको बताया था ना अपनी जमी वाली सीरीज में, जो सर ग्रीस मैंने सर के ऊपर लगाई तो ऐसे चपड़ 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 कमेंट्री बाहर आने लगी। तो भाइयों मैं काम करता हूँ यार, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं जरा ग्रीस लगा के आता हूँ सर के ऊपर। हाँ मजा आ गया, एकदम से ताजगी आ गई, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा वीडियो बनाने का। तो आज हम गाड़ी बजाएंगे शहर की गलियों में और हम जाएंगे सीधा शिकारों पर, आज हमने शिकार करना है लुमड़ी का। ये लुमड़ी बहन जो है बहुत शैतान होगी आजकल, यहाँ पे मैं कपड़े सुखाता हूँ, कपड़े धो के जब मैं कपड़े सुखाता हूँ तो आके कपड़े लेके भाग जाती है, पता नहीं क्या कपड़ों का बिजनेस खोला उसने, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो ये कपड़े लेके पता नहीं कहाँ जाती है। तो आज हमने लुमड़ी बहन का शिकार करना, तो आज मैंने 4 लुमड़ियाँ मार देनी है, बस 4 लुमड़ियाँ पक्की मार देनी है। सारी जो है क्या कर रहा है हरामखोर इंसान, इतनी येलो कलर की इतनी बड़ी वाली गाड़ी आ रही है, नजर नहीं आ रही हरामखोर बंदे। तो मैं क्या कर रहा था कि आज हमने लुमड़ी बहन का शिकार करना है, बस आज लुमड़ी बहन हमारे चुंगल से बचकर कभी नहीं जाएगी। तो बड़ा पूरा मॉड बनी पम्मी भाई का मेरे पास है, तो ठे उसके पेट में गोलियां मारूंगा मैं, तो बस मैंने पेट के ऊपर गोली मार देनी आज लुमड़ी बहन के। साले की चार टांगे है, भागती बहुत तेज है, भागती बहुत तेज है, ये चार टांगों वाले जो जानवर होते हैं बहुत शैतान होते हैं यार। ये लुमड़ी बहन तो वाकई में आजकल जो है बहुत शैतानी बहुत कर रही है हमारी लॉस एंजेलिस की सिटी में। कपड़े सुखाना यार हराम हो गया मेरे लिए यार, मैं कपड़े धो के सुखाता हूँ तो कपड़े लेके भाग जाते हैं, पहले ही घर के काम हमारे नहीं खत्म होते, कभी प्याज काटना होता है, कभी अदरक छीलनी होती है, कभी चाय बनानी होती है, तो ये ऊपर से लुमड़ी बहन कपड़े गंदे करके भाग जाती है, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो मैं बहुत तंग आ चुका लुमड़ी बहन से यार। तो अगर लुमड़ी बहन आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार ये बच्चों वाले काम बंद कीजिए यार, ये जो काम आपको ये शोभा नहीं देते, मैं कह रहा हूँ ये काम आपको शोभा नहीं देते, ये बंद कीजिए यार। आप भी बाल बच्चों वाले इंसान हो यार, हमें भी यार अपना घर गृहस्थी देखनी पड़ती है, तो ये कपड़े चोरी करना बंद कीजिए यार, डबल डबल काम करवा रहे हैं मुझे यार आप है। ये बाइक वाले तेरी मैं बच गया, ये बाइक वाले बहुत दिमाग खराब करते हैं, सड़क के ऊपर ऐसे बाइक चलाते हैं जैसे कि चाचा की बाइक हो। तो लुमड़ी बहन का शिकार करना है तो भाइयों हमें सबसे पहले बंदूकें लेनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे ये कौन सी टट्टू वाली दुकान है, आज हम टट्टू लगाएंगे। ओए दरवाजा खोलो, अरे कोई है दरवाजा खोलो, कोई है ही नहीं अंदर यार, ये क्या चक्कर है यार, इसको छोड़ते हैं, कमीज ले रहे थे एक बारी, ये मैन साहब बड़ी टेंशन मार रही है दुकान के सामने, ये ले
इसे कहते हैं होरिकन पंच। तो ये ब्रिटिश मार रही थी पिंक सूट पा के, हमने यहाँ पे चूड़ियां बनकर रखी हैं, हमने यहाँ पे चूड़ियां बनकर रखी हैं क्या? बात करते हैं फिर हैं, फिर बात करते हैं, हमारे सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। और चलिए ये घर वाली बातें घर में करेंगे किसी दिन, अभी हम बंदूकें लेने चलते हैं। पर मारे मैडम क्या देख रही, बंदर नहीं देखे कभी है? कभी बंदर नहीं देखा? ओले ये आया मजनू आया तेरी, अरे मेरे कान देखे हैं, तेरे मुंह से मेरे कान बने हैं, तू मुझे कैसे मारेगा? आजा तेरी मैं खबर लेता हूँ। अबे साले मैं कुछ कह नहीं रहा, सर पे चढ़ गया। अब तेरी मैं खबर, टोपी घुमा के ऐसे, अरे एक मुक्का खा मुंह के ऊपर, एक मैंने पेट के ऊपर मारा साले को और एक मुंह के ऊपर मारा। अब अपना मुंह देख, मैंने मुंह मारना तेरा पूरी बॉडी तेरी ब्लास्ट हो जाएगी। टोपी ऐसे घुमा के पहन के रखी है जैसे कि हिंदी फिल्मों का हीरो। मर गए ना दोनों, मजा आया, मर गए ना दोनों। चलो अब ये दुकान ही बंद हो गई, लो कर लो बात। तो दुकान ही बंद कर दिया, दरवाजा खोलो भाई, और कोई है अंदर दरवाजा खोल लो। चलो पूरी दुकान ही बंद कर दी इन्होंने, तो कोई बात नहीं, शहर के अंदर एक और बंदूकों की दुकान है, उसको मैं जानता हूँ यार, उसको मैं जानता हूँ, मैं बंदूकों पे डील मार लूंगा मैं। तो चलिए शहर के अंदर जो बंदूकों की दुकान है भाई, वो वहीं पे चलते हैं और वहां से 4 किलो वाली बंदूक लेके आते हैं। मुझे ये जो एक तो 8 किलो वाला रिवॉल्वर चाहिए, और बजूका की जो वेट होता है मैंने तोल कर रखी है, पम्मी भाई के बजूका मैंने तोली थी, तो पूरे 15 किलो के बजूका उनके पास, तो 15 किलो के बजूका मुझे चाहिए और 4 किलो वाला तमंचा चाहिए। तो ऐसे ही कनपट्टी में रखूंगा ना लुमड़ी बहन के, तो वो ऐसे ऐसे चीं 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 के कार मार के भाग जाएगी साली, कपड़े मेरे चोरी करेगी है। एक तो 2 जोड़ी कपड़े मेरे पास, मैं 1 जोड़ी पहनता हूँ 1 जोड़ी धो लेता हूँ, तो 2 जोड़ी कपड़े वो भी यार कोई हद होती है यार, बेशर्मी की भी हद होती है यार, कपड़े चोरी कर रहे हैं हमारे जानवर लोग चीटिए 5 के। तो आज मैंने लुमड़ी बहन को छोड़ना नहीं है। तो ये जो बंदूकों की दुकान है शहर के अंदर, ये अभी आने ही वाली है, सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता बचा हुआ है। और ग्रॉटी जो है यार, गाड़ी तो वैसे बहुत मस्त है यार मम्मी भाई की यार, सारा मॉड मेन्यू जो लगाया हुआ है इन्होंने GTA 5 की ऑफलाइन मोड पे है, तो यार ये बहुत रापची चीज इन्होंने ले कर रखी है, बहुत समझदार बंदे हैं यार मम्मी भाई, बहुत चलाकियों की बुलंदियों को छू रहे हैं ये बिल्कुल। तो लीजिए बिल्कुल यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये कहाँ पे है दुकान इसकी यार? हाँ यार ये उत्तरी, ओ सॉरी यार, ये चिट्ठियों वाला ये जो मैंने नहीं तोड़ना था लेकिन टूट गया। तो चलिए अंदर जाते हैं यार, और वो 4 किलो वाली और 15 किलो वाली बंदूक है। अबे दरवाजा खोल लो यार, ये क्या है यार, ये बाहर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा ओपन ऑल वीक 24 आवर्स। अरे दरवाजा खोलो भाई, अरे कोई तो अंदर यार, दरवाजा खोल लो। अरे मुझे बंदूकें चाहिए, नहीं लेनी मैंने बंदूकें, ये मॉड मनी अपना एक्टिवेट करके सारी बंदूकें ले लेंगे। देखा कैसे मैंने बंदूकें ले ली, अब सालो बहुत दिमाग खराब करके रखा है यार, बंदूकें सारी दुकानों से मुझे बैन कर दिए इन्होंने यार, बंदरों का यार शॉपिंग करना मुश्किल कर दिया इन लोगों की वजह से। इन लोगों की वजह से हमारे बंदर लोग जाते हैं शहर की गलियों में केले वगैरह चुरा के लेके आते हैं, ये इन बेवकूफों की वजह से बंदरों को शॉपिंग आने देते ही नहीं है, हैं? क्या जिंदगी हमारे बंदरों की, तू कहाँ जा रहा है मेरी जान, तू कहाँ जा रही है? तो मैं ये कह रहा था कि यार बंदरों की जिंदगी पूरे शहर के अंदर है ही नहीं यार, साथ कुछ इज्जत ही वगैरह नहीं है बंदरों की यार। चलिए बंदरों के बारे में हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले मैं मैप के अंदर डाल लेता हूँ। लुमड़ी बहन ज्यादातर यहीं इसी एरिया में नजर आती है मिलिट्री बेस के पास। तो एक और बात मैंने आपको बतानी है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, ये जो मैं ग्रीस लगाता हूँ सर के ऊपर, उस दिन यार बड़े पंगे पड़ गए ग्रीस के साथ, ओहो बहुत पंगे पड़ गए ग्रीस के साथ यार, बहुत ही यार क्या कर रहे हो, बहुत ही जोखिम भरा काम हो गया ग्रीस वाली जो एक्शन था वो, मैंने पता क्या किया, तो मैंने एक दिन मैं क्या बताऊँ आपको, वो जो सर पे लगाने वाली ग्रीस होती है ना जिससे कमेंट्री बाहर निकलती है, तो मैं सर पे लगाता हूँ, तो ऐसे जब मैंने सर पे लगाई तो चपड़ 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 ऐसे भाई बहुत बाहर आने लगी। तो एक बारी मैंने क्या किया, वो जो ग्रीस मैंने पेट पे लगा ली, ओ तेरी पूछो ही मत, ओ ऐसा चपड़ 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 गोबर बाहर निकल रहा भाई, पूछो ही नहीं। 3 दिन मैं टॉयलेट के अंदर बैठा रहा, 3 दिन के अंदर, ओ ऐसा भाई 4 किलो वजन मेरा कम हो गया था, इतना गोबर मैंने किया। तभी मैं कह रहा हूँ ये जो ग्रीस जो है बहुत ही डेंजरस माल है, बहुत डेंजरस चीज़ है, तो इसको सिर्फ आपने सर पे लगानी है तभी आपका दिमाग चलेगा, और पेट पे कभी मत लगाइएगा ये ग्रीस, सही कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए। ये बाइक वाले परे मर, मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए की बाइक कर रहा हूँ, ये एक और आ गया परे हो जा, गाड़ी के साथ चिपक गए हैं, गाड़ी के साथ ऐसे गाड़ी के ऊपर ऐसे लेटा हुआ जैसे गाड़ी के ऊपर मैंने चादर डाल दी हो। तो मैं क्या कर रहा था कि ये जो भूल के भी ये ग्रीस कभी पेट पे मत लगाना, ओहो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सिर्फ 2 माइल का रास्ता रहता है, तो अभी सिर्फ हमारे सामने है वो मिलिट्री बेस आने वाला है,
लगता है यार ये कमेंट्री वाला असर थोड़ा ग्रीस का असर थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम काबू कर लेंगे। हमारी ये वीडियो तो ग्रीस के इस असर पर पूरी हो जाएगी और लगता है मुझे अगली वीडियो में थोड़ी बहुत ग्रीस जो है ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं भाइयों, हम इस वीडियो को इसी ग्रीस के असर में पूरा कर लेंगे। थोड़ी तोड़ फोड़ भी करते हैं यार, ये शरीफों के राजकुमार हमसे नहीं होता, तो आज हम पूरी तोड़ फोड़ करके। अबे क्या गाड़ी ठोकी रामखोर ने, शुक्र बना। अरे ट्रक वाले, अब अपना साइज देखा और मेरी गाड़ी देखी, अब मेरी गाड़ी कुचल के रख देगा तू। अरे बच्चे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही यार, ये बहुत फास्ट गाड़ी है। अरे बाप रे, कितनी जोर से ठोकर लगी कि मैं गाड़ी से बाहर ही आ गया यार। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक दूसरी गाड़ी मंगा लेता हूँ और बिल्कुल पहाड़ों की बुलंदियों पे चलते हैं। जिस जगह पे मुझे जाना है वैसे उस जगह में तो पहुंच ही चुका हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ भाइयों, मैं कोई एक सूटेबल जगह देख के गाड़ी ऐसे राइट को मोड़ के सीधा पहाड़ के ऊपर ही ले जाता हूँ। और मुझे पता है कि ये पहाड़ों के ऊपर हमारी प्यारी लुमड़ी बहन, नहीं प्यारी नहीं कह सकते, ये लुमड़ी बहन साली हरामखोर प्यारी नहीं हो सकती। आज तो मैं इसको भगवान को प्यारा कर दूंगा, लुमड़ी बहन को आज मैंने इसको छोड़ना नहीं है। तो अरे अरे क्या हो रहा है वो। तो लीजिए भाई, ये पहाड़ों वाली जगह पे ऊपर हम पहुंच चुके और यहाँ पे अबे ओए, अरे ये कौन सा अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, ये क्या, ये कौन सी पावर आ गई। मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट अपनी जो पावरफुल गाड़ी है जिसका नाम है T20 उसको लेके हम पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ रहे हैं और वहाँ पे लुमड़ी बहन की जो खोज है। ओए क्या व्यू है यार, एकदम मस्त व्यू है यार। इस व्यू को देखने के लिए मैं और पम्मी भाई ने क्या क्या नहीं किया यार। अब फिर कभी बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो फिलहाल जो है हम लुमड़ी बहन की जो सर्च है उसे कंटिन्यू करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि साली हरामखोर ये पहाड़ों के बीच में कहीं छुपी होगी। मुझे पता है काम काज इसका होता नहीं है, पूरा दिन भर सोती रहती है। कई बार मैंने इसको कहा है कि यार ये घर का काम वाम कर लिया करो, कोई हुवर कोई झाड़ू वगैरह मार लिया करो ये, लेकिन नहीं, काम क्यों आ रहा है सारे ये GTA 5 के जानवर। तो नीचे जो है बिल्कुल नदी जा रही है और मैंने कई बार नोटिस किया कि सारे जानवर जो है GTA 5 के नदी के पास जरूर आते हैं क्योंकि उनको पानी वानी पीना होता है। तो पानी वानी पीने के लिए बिल्कुल नदी एकदम मस्त है यार। GTA का पानी इतना खतरनाक है कि आप इस पानी को एक बार पियोगे 50 साल आपकी जिंदगी ज्यादा हो जाएगी। और चलिए मैं आपको आज लुमड़ी बहन की जो, अरे हवाई जहाज वाले कहाँ जाती है, तेरे ऊपर मैं रेल गन टेस्ट करता हूँ। बच गया साला, बच गया सवाल कर तेरे ऊपर मैं बंदियों की लड़ करके फिर से एक बार। अरे मुझे देख के मर गया लगता है वो। अरे मैंने इसको गोली मारी भी नहीं इसको यार, मैंने 3 शॉट मारे, एक गोली भी इसको नहीं लगी फिर भी, लेकिन गिर गया। अरे क्या व्यू है यहाँ पे यार, एकदम झकास व्यू है यहाँ पे। तो चलिए पूरे यहीं पे 100% मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें लुमड़ी बहन की पूरी फैमिली यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे ही मिली मैंने उसके जबान के ऊपर गोली मार ली, जबान के ऊपर, ताकि बोल ही ना सके। देखा, अरे टूरिस्ट लोगों, अरे आपने कहीं लुमड़ी बहन को फोटो खींच रहे, हाँ हाँ फोटो खींच, सही 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 बात, सही बात है, मैं एक्शन खरा लग रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, चल फोटो निकाल, चल 5 रुपये निकाल, और 5 रुपये निकाल, तूने मेरी फोटो खींची है। अरे अरे साथी को मैंने मार दिया, पैसे निकाल, मैं कह रहा हूँ पैसे निकाल, मैंने ट्रेन टैगो भी ऊपर गोली मारनी है, फ्री में फोटो खींच रहा है, बंदरों की फोटो खींच रहे, तो साले जू में जा, मेरी फोटो क्यों खींच रहा है, मैं बड़ा महंगा बंदर हूँ पता है आपको। बात करता है, अरे सामने मुझे एक हिरनी बहन दिख रही है, तो मैं काम करता हूँ स्नाइपर से पहले हिरनी बहन के धज्जे उड़ा देता हूँ। लेकिन हिरनी बहन तो वैसे है तो बहुत शानदार तरीके से पानी पी रही है, तो यार ये पानी पीने वाले जानवरों को हम नहीं मार सकते। और दूर से देखे तो हिरनी बहन पानी पीती हुई क्या मस्त लग रही है यार। मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे सींग पकड़ के ऐसे घुमा के वापस इसको रख दूँ हिरनी बहन को, लेकिन पानी पीते हुए जानवरों को हम डिस्टर्ब करना तो यार फिर तो ये नरकों में जाने वाले काम कर रहे हैं हम तो, बिल्कुल एकदम ये काम करेंगे तो हमें यार भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो हिरनी बहन आप आराम से पानी पीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमारी प्यारी हिरनी बहन आपको कुछ नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम जो लुमड़ी बहन की सर्च है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज मैं लुमड़ी बहन को छोड़ूंगा नहीं, आज मैंने लुमड़ी बहन को छोड़ना नहीं है। मुझे इतना टाइम वेस्ट करके मुझे यहाँ भगा रही है, मैं कुछ और कर लेता, पहले मैं काम करता मॉड बाइक लेके ना, मॉड मैनी खोल के एक मस्त तरीके की बाइक स्पॉन कर लेता हूँ ताकि हमें लुमड़ी बहन को ढूंढने में थोड़ी बहुत आसानी हो। बड़ी शैतान हो गई है आजकल, बहुत शैतान है, साली की 4 टांगियाँ बहुत तेज भागती है। तो, अरे ये कौन है, इसको तो मैं जानता हूँ यार, ये तो क्या नाम है इसका यार, चार दिमाग बनी, अरे ये तो मोहित मछुआरा है। अरे मोहित मछुआरा जी कैसे हो, कैसे हो, अरे यहाँ पे तो ये दर्जी भाई भी बैठी है, अरे दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, ये यहाँ पे बैठा तो मेरे कपड़े कौन सी रहा है,
पागल इंसान ना 500 रुपए जो मेरे देनी है इसने ना 500 रुपए दे रहा है, और ये ना जो मैंने कोट पैंट सिलवाने को दिया है वो ना वो दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा यार ये। और ये मोहित मछुआरा और ये दर्जी भाई पता नहीं क्या मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे, वैसे मार रहे ना मस्ती यार, मौसम बहुत ही मस्त है। और घूमने फिरने का देना देखो कितने सारे बंदे यहाँ पे आए, ये देखो और मछुआरे भी हो गए, और सामने बिल्कुल देखो हिरन बहन हमारी फिर से पानी पी रही है यार, कितना पानी पीते हैं यार ये, पानी तो ऐसे पी रहे हैं जैसे कि शराब पी रहे हो, आय हाय हाय कैसे मतलब कि ओए होए देख लिया मुझे, हेलो आय हाय कैसे आंख मार के देख रही है मुझे, गंदी निगाह से मत देख हिरन बहन, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, मेरे ऊपर दौरा डाल रही है हिरन बहन। अच्छा तो मैं यहाँ पे बाइक लेके अपनी जो लुमड़ी बहन को खोजने की जो सर्च है इसी पुल के आसपास बैठे हो, अरे लुमड़ी बहन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तू गई लुमड़ी बहन, कहाँ मर गई ये, ओए वो लुमड़ी बहन घिर के मर गई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार लुमड़ी बहन, मैंने तो कुछ ओए कैसे खून निकल रहा लुमड़ी बहन के पेट के अंदर से यार, अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं है यार ये, अगर तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो मैंने तेरी खाल खींच ले ली है लुमड़ी बहन, बहुत शैतान है आजकल ये भरने का नाटक कर रही है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये मरी है कि नहीं मरी यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है यार, इसका इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, ये पम्मी भाई को पता लग गया, अगर लुमड़ी बहन ने पम्मी भाई को फोन कर ली तो मेरा तो यार वो तो झूमर बना देंगे, लेकिन मैंने तो और अरे लुमड़ी बहन एक और लुमड़ी बहन, अरे कहाँ जाएगी तेरी चार टांगियां तो हमारे अंदर भी बाइक का इंजन है, अब भाग के दिखा, अब भाग के दिखा कैसे भागती है, अब बाइक के नीचे मत आ जा, तेरी खोपड़ी मैंने आज खोल लिया, बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पर मुझे लुमड़ी बहन, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलो यार जाने दो यार पुरानी बातें क्या करना यार, कपड़े चोरी करती है तो करने दो यार लुमड़ी बहन हमारी, हम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो चल कोई बात नहीं लुमड़ी बहन, तो एक बार फिर से मैं तुझे जीने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन यार शैतानी नहीं करनी आपने यार, ये मस्ती मारा मत मारा करो यार, ये किसी और के कपड़े चोरी कर लो, आपको मैं ही देखता हूँ, खोलूँ कपड़े चोरी में खोलूँ, बात करते हैं खोलूँ, सबर कर तेरे ऊपर मैं असॉल्ट राइफल का कहर जमाता हूँ, सबर कहाँ भाग रही है ये, कहाँ वादियों के बीच में भाग रही है, सबर कर खोलूँ कपड़े बोल लड़का करे, मैं बहुत शांत पट्टी करती है ना हमारे सामने, बहुत दादागिरी दिखाते, तो अब आना आ गया, अब आ गया यार बंदूक के कहर से बच्चे कहाँ जाएगी लुमड़ी बहन, बहुत शांत पट्टी दिखा रही है, भाग ले अब मैं कह रहा हूँ भाग ले अब, फिर कभी मेरे पास मत आइयो, अगर फिर कभी तूने मेरे कपड़े चोरी करते हुए पकड़ेगी ना तो मैं तेरी पूरी जो लुमड़ी बहन की जो क्या कहते हैं उसे यार, वो क्या कहते हैं यार लुमड़ी बहन की जो पूरी, अरे नन्हे से रायबट जी खरगोशी कैसे हो, कहाँ जा रहे हो यार ये फुदक फुदक के कहाँ पे जा रहे हो, ये दर्जी जी के पास आ गए अब, ये कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ चला गया यार ये खरगोश, लगता है इसका बिल यहीं पे होगा, तो ये लगता है जो बिल के अंदर घुस चुका है, अरे चलो कोई बात नहीं हम खरगोश भाई का तंग नहीं करेंगे, बहुत ही क्यूट से होते हैं यार, क्यों हम तंग नहीं कर सकते यार, ये बहुत ही क्यूट है, और ये मछुआरा अरे मोहित मछुआरे क्या कर रहा है, और ये दर्जी भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, तो चलिए लुमड़ी बहन तो हमने लुमड़ी बहन को हमने सबक सिखा दिया है, तो मुझे लगता है कि लुमड़ी बहन के लिए इतना सबक काफ़ी होगा, लगता है आज के लिए लुमड़ी बहन के लिए इतना सबक काफ़ी होगा, तो चलिए हम एक बार फिर से अपनी बाइक लेके सिटी की ओर चल पड़ते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत नज़ारा लेके जाते हैं यार, ऐसे नज़ारे आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। ओहो भाइयों बिल्कुल हमारे सामने दो लुमड़ी बहनें बैठी हुई हैं, लगता है प्लानिंग कर रही है कपड़े चोरी करने की, क्या खुसर फुसर करती रहती है दोनों लुमड़ी और बहने, ये दोनों शैतान हो गई हैं आजकल बहुत ज़्यादा, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक को मार लूँ तो दूसरी को समझ आ जाएगी कि पैगो जादू करके कपड़े हम चोरी नहीं करते, और ना मैं कुछ नहीं करूँगा, अरे भागिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा लुमड़ी बहने, ये दोनों ऐसे भाग रहे, सबर कर तुम दोनों की मैं खबर लेता हूँ, तुम दोनों भी सारे कपड़े मेरी जुराबे चोरी करके ले जाती हो, ये एक तो बहुत शैतान है मेरे जूते चोरी करके ले गई थी उस दिन, अगर फिर से मैंने तुझे अपने घर के पास देख ले तो मैंने तेरी खाल उतर के शॉल बनानी है, कहाँ जा रही है, अरे तेरा पार्टनर वहाँ जा रहा है तू वहाँ जा रही है, कौन सी चलाकी हो रही है, चकमा देने की मुझे कोशिश कर रहे हो तुम लोग हैं, इतना बेवकूफ मुझे समझा हुआ, बहुत चलाक इंसान हूँ मैं क्या हूँ लुमड़ी बहन, बहुत चलाक इंसान हूँ, ये आपका जो चकमा देने वाला तरीका है ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा, बोल खोलू खोपड़ी, बोल बोल खोलू खोपड़ी, फिर कहते हैं बात कर दो, सामने हमारी हिरन बहन, चलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, एक बारी जाके हिरन बहन को भी हेलो हाय बोल के आ जाती हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि उनके पूछने वाला भी दुनिया में कोई है, लुमड़ी बहन ने कह रहा भाग जा, अगर तूने हिरन बहन को डराने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारी सारी बिरादरी मैंने मिटा देनी है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास बहुत बड़ा परमाणु है, मैं परमाणु जेब में लेके घूमता हूँ, पता आपको इतना बड़ा परमाणु मैंने अगर आपके ऊपर फेंक दी तो सारी लुमड़ियाँ मर जाएंगी, अरे नहीं अरे हिरन बहन मैं तो आपका यार हाल चाल पूछने आया था यार ये क्या हो रहा है यार, कोई इज्जत ही नहीं है यार, सारे जिसको देख रहे हो वो देख के भाग रहा है यार, दुकानों में जाओ तो दुकानें बंद है, बंदूखे लेने जाओ तो बंदूखे वाली दुकान बंद है, हिरन बहन हेलो, अरे
हिरन बहन से हाल चाल पूछता तो वो भी भाग जाती है और लोमड़ी बहन हमारे कपड़े लेके भाग जाती है। यार ये क्या है यार, ये क्या है, ये बिल्कुल हमारी जिंदगी टट्टू हो चुकी है यार एकदम से यार। तो चलिए, वैसे पानी बहुत मस्त है यार, दिमाग को ठंडा करने का तरीका ये बहुत मुझे पसंद आया। आहा, क्या स्विमिंग करता हूँ मैं यार, आहा, मुझे तो ओलंपिक्स में होना चाहिए। मैं लॉस एंजेलिस के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ लेकिन मुझे जाने नहीं देते। मुझे कहते तेरा बंदर वाला मुंह है और बंदर को स्विमिंग करने अलाउड नहीं है, लेकिन सालों को पता नहीं है मैं बहुत मस्त स्विमिंग करता हूँ। आहा मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, ताजगी आ गई यार, एकदम ताजगी आ गई, मजा आ गया आज तो यार। आहा क्या नजारे हैं यहाँ के यार, ये वाकई में यार लोमड़ी बहन ने और हिरन बहन ने रहने के लिए सही जगह चुनी है यार। एकदम मस्त पानी है, फुहारे वाला पानी है और मस्त एकदम झक्कास चीज बना के रखी है इन्होंने यार। वाह 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 वाह, नजारे है यार आपके तो यार नजारे है। यहाँ पे अगर बिरयानी अचार और पापड़ मिल जाए तो बात ही हमारी निराली है यार, एकदम झक्कास कॉम्बिनेशन है बिरयानी पापड़ और साथ में अगर दही भी मिल जाए तो एकदम आह। रायता मिल जाए, दही के अंदर खीरे काट के रायता कुछ दे दे मुझे, ओहो हो एकदम झक्कास भाई। तो चलिए भाई, लगता है हमने हिरनी बहन को, नहीं हिरनी बहन को नहीं, लुमड़ी बहन को हमने वो सबक सिखा दिया और मुझे उम्मीद है कि वो फिर से पंखे नहीं लेगी हमसे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है हमने बनाई है, लगता है ग्रीस का असर जो है कम होने वाला है। तो ये जो वीडियो अपने मैंने बनाई है आपके लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और मेरी कुछ ही वीडियो और आने वाली है। और पानी भाई को प्लीज़ मत बताइएगा यार, ताकि उनको ये बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं उनके चैनल पे गया हूँ यार, वो बहुत धुला के मारेंगे यार, बहुत धुला के। उस दिन मुझे पता है ऐसे तोलिए को घुमा घुमा के फटाक मेरे सर के ऊपर मारा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो रुमाल को ऐसे घुमा के फटाक मेरे ऊपर मार दिया। तो यार वो बहुत दर्द होता है यार, वो यार प्लीज़ उनको यार कहिएगा कि मुझे मत मारे। अरे हिरनी बहने कहाँ कर क्या कर रही है, रुक मैं आता हूँ, हिरनी बहने को मिलने जाता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, मुझे तुम्हारी मिल लो यार प्लीज़, मुझे आपकी ये जो खुशबू है। अरे क्या सीन है यहाँ पे यार, हिरनी बहन की खुशबू बहुत मस्त होती है, वैसे मैं कह रहा हूँ था। तो बस मेरी तरफ से, मेरे ख्याल से इस वीडियो में तेरा काफ़ी है। हमने जो शिकारी, जो हमारा शिकारी जानवर था, उसको हम शिकार करा के ले गए। अरे लुमड़ी बहन, अरे कितनी लुमड़ी बहने हैं यहाँ पे यार, ये चीखे मत मार मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ ये चीखे मारने की क्या जरूरत है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, ये चीखे मार रहे हैं, बात करती हैं ये हिरनी बहन फिर हमारी बात करती है। तो चलिए, मैं ये कर रहा था कि यार ये पम्मी भाई को मत बताना कि मैंने उनके चैनल पे आया हूँ। तो एक बार फिर से यार ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि पैगो यहाँ पे नहीं है, मैडम जी हट जाइए, मैं यहाँ पे आउटरो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी फरियाद यहाँ पे कर रहा हूँ और तू यहाँ पे, तुझे मौत पड़ रही है मेरे कैमरे के सामने आ गई। सबर कर, तेरे पर भजका मारता हूँ, तेरे पर बहुत जो है ना, तुझे बहुत छान पट्टी मची हुई है आजकल। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यार वो यार उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यार कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ यार, नहीं तो वो बहुत पकड़ के मुझे मारेंगे यार। तो चलिए भाई, मेरी तरफ से इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल भी आ जाऊँ आपका सर खाने के लिए। और चलो फिर, ओके बाय बाय।